हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइस नेटवर्क और पाई नेटवर्क के कुछ छोटी बड़ी अपडेट को लेकर। काफी दिनों बाद वीडियो आ रहा है पाई नेटवर्क पे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्या क्या छोटी बड़ी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव है, बिटकॉइन अपने एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स बिटकॉइन ETF। ETF आने का चांस बहुत बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। और बिटकॉइन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं भाई, आप लोग पूछोगे कि बिटकॉइन के बारे में क्यों बता रहा हूं भाई। देखो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कहीं ना कहीं उत्पत्ति एक बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी से ही होता है। पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं पाई भी अगर आया है, पाई का कंसेप्ट भी मार्केट में है, तो बिटकॉइन से ही कहीं ना कहीं वो इंप्रेस होकर आया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बिटकॉइन को ही देखा देखी में पाई नेटवर्क आया है। भले ही पाई नेटवर्क आगे चल के बिटकॉइन को भी पीछे कर दे, ऐसा इनके सीईओ का कहना है। इनके सीईओ ने कहा है कि 314,159 डॉलर से भी ज्यादा पाई नेटवर्क जा सकता है। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो आपको IOUS के अकॉर्डिंग पाई का वैल्यू 33 डॉलर देखने को मिल रहा है, और लगातार इसके प्राइस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप इनसे कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हो कि एक मुंह बोला पाई, एक फेक पाई, एक IOUS के अकॉर्डिंग वाला पाई अगर 33 डॉलर के प्राइस को दिखा सकता है, तो जब ओरिजिनल पाई मार्केट में लॉन्च होगा तो आप कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगा सकते हो कि हमें पाई का वैल्यू 100 डॉलर से प्लस देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज भी लगे हुए हैं, जैसे कि दोस्तों अमेरिका, जैसे कि चाइना, वियतनाम, हांगकांग, इवन आप इंडिया को भी ले सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रेज पाई नेटवर्क के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। आप देखो यहां पर कि चाइना में भी स्टार्ट हो चुका है 314,159 डॉलर के अकॉर्डिंग बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम अभी लगातार पाई के अंदर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को यहां दिख रहा होगा कि चाइना का झंडा है, फिर पाई का फ्लैग आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो चाइना के अंदर एक बड़े लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ दिनों पहले हम लोगों को यूएस के अंदर भी देखने को मिला था, जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर किया था। तो ऑल ओवर पाई नेटवर्क को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, और ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 7 महीने के अंदर पाई नेटवर्क लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा। और पाई नेटवर्क जानबूझ के डीले कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का हाल्विंग होगा उसके बाद ही पाई नेटवर्क चाहता है कि मार्केट में लॉन्च हो। क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसी, पाई नेटवर्क हो या कोई कोडाओ हो, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, जिन्होंने भी बिटकॉइन हाल्विंग से पहले लॉन्च किया है, बियर मार्केट में लॉन्च किया है, वो टोकन पिट गया। जैसे कि ओमेगा आया था, कोडाओ आया था, फिर आप लोगों को अभी आइस नेटवर्क आने वाला है। तो आइस नेटवर्क भी अपने आप को रोक के रखा हुआ है कि भाई मैं भी सोच रहा हूं कि हालविंग के बाद लाके लॉन्च करूं। तो हालविंग आने में कितना दिन बचा है दोस्तों, तो अप्रैल महीने में बिटकॉइन का हालविंग दिखेगा, और उसी वक्त आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क के बैकग्राउंड में आखिरकार क्या काम चल रहा है, बैकएंड के अंदर क्या काम हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि टेस्टनेट का काम चल रहा है, मेननेट आने से पहले टेस्टनेट चलता है, यानी कि मेननेट आएगा तो पब्लिक के लिए आएगा, उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ब्लॉकचेन में, नहीं तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले पब्लिक में लाने से पहले टेस्ट किया जाता है प्राइवेटली, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन की तरफ से उस ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है कि हाँ क्या ये लायक है कि नहीं मार्केट में आने का। तो अभी अगर हम बात करें तो पाई नेटवर्क का टेस्टनेट चल रहा है, और इन्होंने लगभग 9 बिलियन BTC को, आप यहां पर देख सकते हो 9 बिलियन, लगभग यहां पर बताया जा रहा 9 बिलियन BTC, 1 मिलियन BNB और 9 बिलियन US डॉलर। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 9 बिलियन हो सकता है, 9 बिलियन तो नहीं हो सकता, 9 मिलियन भले ही हो सकता है, 9 मिलियन BTC, 1 मिलियन BNB और 9 बिलियन US डॉलर को मेननेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो टेस्ट किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतर न्यूज निकल कर आ जाती है, कहीं ना कहीं एक अंदर की न्यूज है। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि पाई का एक्सचेंज आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, पाई का एक्सचेंज आने के चांसेस है ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों
आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाइनांस भी पाई नेटवर्क के पीछे कहीं ना कहीं लग चुका है, क्योंकि पाई नेटवर्क एक वेब थ्री प्रोजेक्ट है और बाइनांस ने भी अपना वेब थ्री वैलेट लॉन्च कर दिया, जिसके वजह से ट्रस्ट वैलेट का जो कॉइन है उसका प्राइस बहुत तेजी से डंप किया। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हो कि वेब थ्री के पीछे बाइनांस क्यों लगा है, क्योंकि इसे पता है कि आने वाला समय वेब थ्री का है और वेब थ्री में पाई नेटवर्क बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो डेफिनेटली पाई कहीं बाइनांस से आगे ना निकल जाए। डेट्स वाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि बाइनांस भी वेब थ्री के अकॉर्डिंग चल रहा है, पाई नेटवर्क को फॉलो अप करता हुआ चल रहा है। काफी सारा र्यूमर भी निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क बाइनांस के साथ पार्टनरशिप भी कर सकता है और पाई नेटवर्क को बहुत जल्द लिस्टिंग होते हुए हम लोग बाइनांस के अंदर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ दोस्तों अगला न्यूज जो है वो पाई ब्लॉकचेन की तरफ से है। पाई ब्लॉकचेन प्रिपरेशन कर रहा है पाई कॉइन को कन्वर्ट करने में कोई अदर करेंसी में। जैसे कि आपने देखा होगा ना बहुत सारा पेयर होता है, जैसे कि BTC थीरियम, BTC यूएस डॉलर, BTC BNB, उस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन किया जा रहा है इनके ब्लॉकचेन के ऊपर कि पाई नेटवर्क का पाई कॉइन का एक अच्छे से कन्वर्जन हो पाए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के साथ में, तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे पाई एक्सचेंज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पाई का खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ दोस्तों तंजानिया के अंदर एक बड़े लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ है, पाई नेटवर्क को लेके यहाँ पे बातचीत की गई है और पाई नेटवर्क लगातार आपको तंजानिया के अंदर ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो डिजिटल करेंसी ट्रेंड, पाई नेटवर्क इन ऑगुरल कॉन्फ्रेंस इन तंजानिया कैप्टिवेट्स कवर्ड बाई आजम टीवी। आजम टीवी नाम का एक न्यूज चैनल है जिसने पाई का कॉन्फ्रेंस किया है और पाई नेटवर्क के लेके बातें यहां पर हुई है, तो ये एक काफी बेहतर न्यूज निकल कर आ रहा है। अगर हम कुछ और न्यूज के ऊपर पाई को लेकर देखना चाहें तो एक गुड न्यूज है जहां पे बताया जा रहा है कि पाई कोर टीम हैज अपडेटेड द KYC ऐप। KYC को लेकर इन्होंने बहुत सारी प्रक्रिया के ऊपर चेंजिंग लाया है और बहुत सारी चीजें यहां पे इन्होंने इजी कर दिया है, तो आप एक बार चेक कर लेना आपका KYC अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगले अपडेट के ऊपर चले दोस्तों, तो इस भाई साहब ने Redmi 11 Pro Plus बाई किया है केवल और केवल 0.0135 पाई चुका कर, यानी कि आप सोच पा रहे होगे कि इतना कम पाई इन्होंने दिया और एक 10 से 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार लेवल का एक फोन इसको मिल गया सिर्फ और सिर्फ वाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक स्टार्टिंग है, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर पाई का एक बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रहा है। अगले न्यूज के ऊपर अगर हम चले दोस्तों, तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि पाई का जो कंसेंसस वैल्यू है वो एक पाई कितना है 3,14,000। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक पाई 11 BTC के इक्वल हो जाता है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करोगे 3,14,000 के हिसाब से तो 11 BTC अगर आप दोगे तो आपको एक पाई मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना भाई हाइप कितना जबरदस्त है, एक बड़े लेवल का हाइप यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर यहां पे देखो कि एक तो पाई एक्सपो है चाइना के अंदर, पाई एक्सपो ही बना दिया गया है चाइना के अंदर जहां पे पाई को लेकर कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है, इवेंट वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा ना दोस्तों कि पाई जो है वो चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर एक बड़े लेवल पर प्रमोट हो रहा है और चाइना ही वो एक कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को सबसे पहले सपोर्ट किया था और आज उसका फल आप देख सकते हो कि चाइना की वजह से कितना तगड़े लेवल का बिटकॉइन फैला है और पूरे मार्केट में जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह बनाकर अभी रखा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों, आते हैं आइस नेटवर्क की तरफ कि आइस को लेकर क्या अपडेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 आइस या फिर आप एक आइस यहाँ पे बताया जा रहा है, एक आइस का वैल्यू $100 बताया जा रहा है। भाई क्या ही बताएं, इतना जबरदस्त हाइप है आइस कॉइन का भी कि आइस कॉइन आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आइस भी आपको माइनिंग करना है रेगुलर। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट क्रिएट करिए, आइस माइनिंग फटाफट से स्टार्ट करिए, क्या पता हमें चलता फिरता प्रॉफिट दे जाए। अगर प्रॉफिट नहीं भी देता है तो हमारे घर से क्या जा रहा है भाई, सिर्फ हमें मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रखना है, 24 घंटे में एक बार चालू कर देना है। मैंने खुद ही इसे इंस्टॉल किया है और जब मुझे मन होता है तब मैं ओपन कर देता हूँ, माइनिंग ऑटोमेटिक होता रहता है और मेरे पास अच्छे खासे कॉइन्स भी कलेक्ट हो चुके हैं और मैंने अच्छा खासा रेफरल भी कर दिया है, तो इससे हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है आई थिंक। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आइस को लेकर अगर हम बात करें कि KYC कहां तक पहुंचा है, तो भाई KYC जो है वो लगभग 50 से 60%
60 से 70 भी मान सकते हो, 60-70% लोगों तक केवाईसी हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बेहतर अपडेट है और लगातार आइस भी पाई की तरह फेमस होता हुआ नजर आ रहा है और आइस का आपको बहुत जल्द लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगा इथेरियम ब्लॉकचेन के वाया। बाकी इनका खुद का ब्लॉकचेन अगले साल अक्टूबर में आएगा, तो इन्होंने अपना जो लॉन्चिंग को लेकर कन्फर्मेशन है वो पूरी तरीके से क्लियर रखा है और लोगों को इन्होंने अपने लॉन्चिंग के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई लगातार एक्सेप्ट किया जा रहा है ई पाई मॉल के तरफ से। ई पाई मॉल जस्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जस्ट लाइक अमेजॉन, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, जस्ट लाइक स्नैपडील, इसी तरीके से एक ई पाई मॉल है जहां पर पाई नेटवर्क एक्सेप्ट किया जाता है और वहां पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ये एक अच्छी कहीं ना कहीं न्यूज़ हो जाती है। बाकी दोस्तों आपने कितना पाई अब तक माइन कर लिया है, कितना आइस आपने माइन कर लिया है कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो ये भी जोर से कमेंट करके बताइएगा जिससे कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अपडेट पहुँचा पाऊँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।